ना सन्नाटा क्यों है भाई लगता मौसम चेंज करना पड़ेगा तो मैं कुछ कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों के होटो पर हंसी आ जाए अक्सर उठा के हाथ में करता हूं यह दुआ अक्सर उठा के हाथ में करता हूं यह दुआ यार अब तू अपने फजल से उसको शऊर दे अक्सर उठा के हाथ में करता हूं यह दुआ यार अब तू अपने फजल से उसको शऊर दे दावत पे जिसकी लाए हैं तशरीफ हम यहां खाना वो हमको देना दे पैसा जरूर दे <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया मिलने से अब वो करती है इनकार दोस्तों मिलने से अब वो करती है इनकार दोस्तों मुझसे जो मिलती रहती थी छुप छुप के लिफ्ट में मिलने से अब वो करती है इनकार दोस्तों मुझसे जो मिलती रहती थी छुप छुप के लिफ्ट में नंबर भी उसने कर दिया मेरा डिलीट अब नंबर भी उसने कर दिया मेरा डिलीट अब जिसने लिया था फोन कभी मुझसे गिफ्ट में बहुत शुक्रिया और, ना वो बेहया है ना वो बेहया थी ना वो बेरुखी थी ना वो बेहया थी ना वो बेरुखी थी दिया जिसको दिल वो बड़ी बेतुकी थी और नहुसत भरा वो समा वो घड़ी थी मेरी आंख जिस रोज उससे लड़ी थी मैं कपड़े भला उसके धोता ना कैसे मैं कपड़े भला उसके धोता ना कैसे वो बेलन लिए मेरे सर पे खड़ी थी ओबाल <laughs> उसमें आता तो आता भी कैसे ओबाल उसमें आता तो आता भी कैसे मोहब्बत के जवानी की हांडी में बासी कढ़ी थी बुढ़ापे की हांडी में बासी कढ़ी थी और बस शॉपिंग ना एक रोज़ उसको कराई बस शॉपिंग ना एक रोज़ उसको कराई महीनों मेरी खाट बाहर पड़ी थी और एक नजम आपके सामने पेश करता हूँ और इसमें मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ आप तो अपनी दुआओं से नवाजें और साथ दे मेरा मेरी शादी होती है एक टीचर से शादी के बाद देखिए मेरी क्या हालत होती है सुनिए और मजा लीजिए कॉलेज में जिसने मुझको एम ए बी ए पढ़ाया तकदीर ने उसी का दूल्हा मुझे बनाया वो जिसके हाथों तो मेरी होती रही पिटाई किस्मत से आज मेरी वो बन गई लुगाई आधार के मुताबिक छः साल वो बड़ी थी फूलों की सेज पर भी डंडी लिए खड़ी थी कमरे में जब घुसा मैं बोली के लौट जाओ लेकर मेरी इजाज़त कमरे में फिर से आओ मैं हुक्म के मुताबिक कमरे में फिर से आया आते ही मैं फौरन फिर फिर बल्ब को बुझाया वो फिर से बोल उठी बत्ती जरा जलाओ उन्नीस का पहाड़ा पढ़ के मुझे सुनाओ <laughs> कमरे में जब घुसा मैं बोली के लौट जाओ लेकर मेरी इजाजत कमरे में फिर से आओ मैं हुक्म के मुताबिक कमरे में फिर से आया आते ही मैंने फौरन फिर बल्ब को बुझाया वो फिर से बोल उठी बत्ती जरा जलाओ उन्नीस का पहाड़ा पढ़ के मुझे सुनाओ जो काम दे रही हूं करके उसे दिखाओ फिर उसके बाद आकर घूंघट मेरा उठाओ दिल में तो बज रहा था कुछ और ही नगाड़ा ऐसे में क्या सुनाता उन्नीस का पहाड़ा कि दिल में तो बज रहा था कुछ और ही नगाड़ा ऐसे में क्या सुनाता उन्नीस का पहाड़ा की लाख कोशिशें पर कुछ भी सुना न पाया इस बात पर उसे फिर गुस्सा कुछ ऐसा आया वो ये भी भूल बैठी कि मैं हूँ उसका शोहर कमरे को समझी कॉलेज और खुद को समझी टीचर फिर भूत मेरा उसने कुछ इस तरह उतारा फिर भूत मेरा उसने कुछ इस तरह उतारा शादी की रात में भी मुर्गा बना के मारा शादी की रात में भी मुर्गा बना के मारा बहुत बहुत शुक्रिया